टेक्निकल निमोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में यानी कि वॉल्यूम बटन यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम बटन के तीन ऐसे अल्टीमेट ट्रिक और टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो मैं आपको वॉल्यूम बटन के तीन ऐसे अल्टीमेट ट्रिक बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चल चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है ना इस तरह का वीडियो आता रहता है। तो चल चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, तो पहले आप उसका वर्क जान लें, उसका काम जान लेंगे। उस इस वीडियो में आपको वॉल्यूम बटन के तीन ऐसे क्या अल्टीमेट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपने वॉल्यूम बटन को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप यानी वॉल्यूम बटन को यूज़ करते हैं, तो आपका क्या काम होता है, सिर्फ वॉल्यूम को अप करना और डाउन करना, अप करना डाउन करना। तो मैं आपको इसके लिए तीन ऐसा क्या ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप अपना वॉल्यूम बटन को एक बार सिंगल प्रेस करेंगे, तो अपने आप व्हाट्सएप खुल के तैयार हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप खुल के तैयार हो चुका है, तो है ना इमेजिंग। अब दूसरा ट्रिक क्या चलते हैं, दूसरा ट्रिक आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी जैसे ही मोबाइल फ़ोन के आप अपने मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम बटन को अप बटन को जैसे ही प्रेस करके रखेंगे, तो क्या होगा, अपने आप यानी कैमरा खुल के तैयार हो जाएगा, आपका कैमरा जो है ओपन होके तैयार हो जाएगा। तो है ना इमेजिंग। तो ये था दोनों ट्रिक, मैं तीसरा ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो ये तो है टेलर, मैं आपको बता दूं ये है टेलर। तो आपको आगे आके देखना है इस वीडियो में क्या होने वाला है, बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल प्रेस करें तो व्हाट्सएप खुले, कोई भी ऐप खुल सकता है, आप कोई भी ऐप सेट कर सकते हैं, डबल प्रेस करें तो यूट्यूब खुले, अगर प्रेस करके रखेंगे डबल प्रेस करके रखेंगे तो यूट्यूब खुले, अगर आप प्रेस करके रखेंगे यानी होल्ड करके रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है क्या खुलेगा, आप कुछ भी खुल सकते हैं, कैमरा खुल सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी खुल सकते हैं। तो ये है टेलर। तो आपको आगे आगे देखना है ये इस वीडियो में क्या होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला था। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ यानी परमिशन मांगेगा, उस परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस खुल के तैयार हो जाएगा। अगर आपको परमिशन मांगना है तो उस परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखा देगा वॉल्यूम बटन्स, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ कस्टम जो दिख रहा है ये ऑफ दिखेगा, तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ से आपको वॉल्यूम अप बटन दिख रहा है, यहाँ से वॉल्यूम यानी डाउन बटन, इसको भी अप यानी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको इससे क्या होगा, आप कुछ भी सेट कर दीजिए, यानी सिंगल टैप, जैसे सिंगल टैप करेंगे, तो जैसे ही सिंगल टैप करेंगे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप जैसे रखा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके मन यानी आपका यानी दिल से आप कुछ भी कर सकते हैं। गैलरी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोई भी गैलरी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी हो, जैसे अमेजोन कर दिया, जैसे सिंगल प्रेस करूँगा वॉल्यूम अप बटन को, तो मैं आपको अमेजोन खुल के तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंगल प्रेस करूँगा तो क्या आ जाएगा, यानी सिंगल जैसे प्रेस करूँगा, सिंगल एक बार क्लिक करूँगा यानी वॉल्यूम अप बटन को, तो अमेजोन ये होगा यानी ओपन होगा। अब वॉल्यूम डाउन बटन के बारे में बताते हैं। वॉल्यूम डाउन बटन में भी आपको अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे आपका अपना मनपसंद कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से प्ले स्टोर कर लेता हूँ। अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, यानी प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी फेसबुक खुल के तैयार हो जाएगा। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताया, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों कस्टम जो है कस्टम वाला, इसको ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना, ऑन दोनों को ऑन करने के बाद तब आपको इसको सेट करना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ से फिर बैक जाना है, बैक जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बैक जाने के बाद फिर आपको उस यानी जाँच कर लेना है कि यह ट्रिक वर्क करता है कि नहीं, 100% वर्क करेगा। कोई भी डिवाइस हो आपका, कोई सा भी डिवाइस हो आपका, हर एंड्रॉयड फोन में ये यानी वर्क करेगा, ये जो है वर्क करेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही सिंगल प्रेस करूँगा डाउन बटन को, तो देखिए ये मेरा क्या खुल के तैयार हो जाए,
देखिए ये मेरा प्ले स्टोर खुल के तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ से फिर बैक जाते हैं, अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या खुल के तैयार होगा। देखिए जैसे लॉन्ग प्रेस किए तो मेरा फेसबुक खुल के तैयार हो गया है, तो है ना अमेजिंग। और अगर आप अपने वॉल्यूम अप बटन को यूज़ करेंगे, जैसे एक बार प्रेस किए तो देखिए ये क्या खुल के तैयार आ गया है। देखिए ये क्या आ गया है, कैमरा खुल के तैयार हो जाएगा। जैसे ही यानी प्रेस करेंगे तो ये कैमरा खुल के तैयार हो जाएगा। अगर आप एक बार सिंगल प्रेस करेंगे, जैसे कि सिंगल प्रेस किए, कोई सा भी प्रेस किए तो आपका व्हाट्सअप खुल के आ जाएगा। कुछ भी आप लगा सकते हैं, आपका मन कुछ भी लगा सकते हो, तो है ना अमेजिंग। यही था वीडियो, वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस ट्रिक का यूज़ करने के लिए आप किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदारों को भेजिए, तो है ना अमेजिंग। तो आपको वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। तो चलते वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।